राम ने सीता मां का हरण किया, रावण ने, राम जी ने रावण को नहीं मारा, सीता मां का हरण किया। कई महीने हो गए, राम ने रावण का कुछ नहीं बिगाड़ा, लेकिन रावण ने दूसरी गलती कर दी। रावण ने विभीषण को लात मार दिया, जबकि विभीषण भगवान राम के भक्त थे। और भगवान कहते हैं कि तुमने हमारा बिगाड़ा है, हमारी पत्नी चुराई है, हम तुम्हें माफ कर देंगे। तुम हमारा बिगाड़ोगे तो हम तुम्हारा नहीं बिगाड़ेंगे, पर तुम हमारा भक्त का बिगाड़ोगे तो हम तुम्हारा सर्वनाश कर देंगे। विभीषण का बिगाड़ा रावण ने, लात मार दिया, एक भक्त का अपमान किया। भगवान ने उस दिन से उल्टी गिनती शुरू कर दी रावण की। रावण को मारना होता तो जिस दिन सीता को चुरा के गया है, राम जी का बाण छोड़ देते तो रावण को कौन बचाता? हनुमान जी को भेजने की क्या जरूरत थी? क्या राम को पता नहीं था कि कहां है सीता? पर राम जी खुद रावण को मारना नहीं चाहते थे, माफ करना चाहते थे। कोई बात नहीं, तू हमारा बच्चा है, भगवान के लिए तो हम सब उनके बच्चे हैं। और रावण चुरा के किसे ले गया? अपनी माता को। कोई बात नहीं, बेटा माँ को ले जाए तो ले जाए, क्या दिक्कत है? बाप को क्या दिक्कत है? भाई मेरा बेटा मेरी पत्नी को ले जाए तो वो अपनी माँ को ही तो ले गया। तो रावण कौन है? रावण भी तो हम सब राम के बच्चे हैं। माता रामो मत पिता रामचंद्र, राम हमारे पिता हैं और सीता हमारी माता है। तो इस हिसाब से राम सबके तो पिता हैं, तो सबके पिता हैं, तो रावण के भी तो पिता हो गए। यदि सीता सबकी माता है तो रावण की भी तो माता हो गई। रावण ने सीता मां को कोई भोग भाव से नहीं चुराया था। रावण भी जानता था ये जगत जननी है, रावण विद्वान था, ये जानता था ये भगवती है, लक्ष्मी है। ले आया, राम को बिल्कुल गुस्सा नहीं आई रावण पर। चल भाई तू अपनी मां को ही तो ले गया है, ले जा, रहे अपनी मां के साथ। लेकिन जब विभीषण पर अत्याचार हुआ तब फिर राम जी, भगवान कहते हैं मुझे गाली दोगे सह लूंगा। भृगु जी ने भगवान नारायण की छाती पर लात मारा। भृगु नाम के एक ऋषि थे, आज भी आप लोगों के गोपाल जी की छाती में एक पांव का चिन्ह बना होता है, वो पांव का चिन्ह भृगु जी का है। कभी ध्यान से देखना लड्डू गोपाल जी को, उनकी छाती में चरण चिन्ह बना होता है, वो भृगु जी का है। एक बार भृगु ऋषि ने भगवान नारायण की छाती पर एक लात जमाई, और जब लात मारी तो भगवान ने उस चरण को पकड़ कर कहा, भृगु जी मेरी छाती बड़ी कठोर थी, आपके चरण बड़े कोमल हैं, कहीं आपके चरणों में चोट तो नहीं आई? ऐसा स्वभाव है भगवान का, लात मारने वाले से पूछते हैं तुम्हें पीड़ा तो नहीं हुई? भगवान कहते हैं मुझे लात मारोगे तो मार लेना, मैं सह लूंगा। तुम्हारा कभी लात मारने का मन करे तो भगवान को लात मारोगे तो भगवान बर्दाश्त कर लेंगे। पर रावण ने भक्त को लात मारा तो लंका जला दी, रोने वाला बच्चा नहीं कोई। भगवान कहते हैं मेरा बिगाड़ोगे मैं बर्दाश्त कर लूंगा, मेरे भक्तों से पंगा मत लेना। क्योंकि भगवान एक बात बताएं, तुम गाय के पास जाओगे ना तो गाय तुम्हें चाटेगी, गाय बड़ा प्यार करेगी, पर गाय के नवजात बच्चे के पास जाओगे, छोटे से बछिया या बछड़ा, तो गाय तुरंत दौड़ के आपको मारने आ जाएगी। हाँ या ना, बोलो हाँ कि ना। गाय कहती है मुझे डंडा मार लोगे चलेगा, पर मेरे बछड़े को तुमने यदि, उसे क्या लगता है कि ये मेरे बच्चे को नुकसान पहुंचा सके? कोई नया हो जो ग्वाला है रोज का, वो ग्वाले को तो कुछ नहीं बोलती गाय,
क्योंकि उसे पता है ये सेवा कर रहा। लेकिन कोई नया व्यक्ति जाएगा बछड़ा बछिया के पास तो दौड़ के गाय मारने आएगी आपको, हाँ या ना? गाय को तुम लाठी मारोगे गाय बर्दाश्त कर लेगी, पर गाय के बछड़े को यदि तुमने जरा भी टच कर दिया तो दौड़ा दौड़ा के जहां तक उसका बस होगा तुम्हें मारेगी, हाँ या ना? यही सिद्धांत भगवान का है कि भगवान को कितनी भी उंगली कर लो भगवान चुप रहते हैं, क्षमा कर देते हैं, पर भक्त को उंगली करोगे तो नाश कर देते हैं। इसलिए कभी कई बार आपका वंश रुक जाता है, कई बार आपके सर्वनाश की स्थिति उत्पन्न हो जाती है, कई बार आप कितना कमाते हो पर आपके जीवन में सब केवल नुकसान के सिवा कुछ नहीं है। समझ लो कि आपके द्वारा कभी ना कभी किसी भक्त का अपमान हुआ है। यदि आपने किसी भक्त का अपमान किया है, किसी साधु का, संत का अपमान किया है, तो भी आपको ये दशा भोगनी पड़ सकती है। इसलिए जीवन में कभी संतों का श्राप मत लीजिएगा, कभी भक्तों का कुछ बिगाड़िएगा मत। आजकल ना लोग बाबाओं को क्या बोल, अरे ये तो पाखंडी है, तुमने पंगा ले रहे हो तुम, अरे जो आदमी माला जप रहा है तुम्हारे बाप का क्या बिगाड़ा उसने, माला जप रहा है कोई भगवान का नाम ले रहा है तुम्हारे घर चोरी कर रहा है, कह रहे वो पाखंडी है। तुम्हें किसने अधिकार दिया किसी को भी पाखंडी कहने का, तुम जानते हो उनके बारे में? अरे जिसके बारे में जानो मत उसके बारे में बोलो मत, क्या मतलब है बोलने का? भगवान जब हिसाब लेने बैठेंगे तो तुम्हारा सब निकल जाएगा। जीवन में भक्तों का कुछ ना बिगाड़ना। जो वृंदावन जाते आते भक्त हैं, जो अच्छा कार्य कर रहे हैं, कुछ लोग आपके पड़ोस में कोई ज्यादा भजन करने लगे, कीर्तन करने लग जाए, तुलसी की माला पहनने लग जाए, तिलक लगाने लग जाए, तो आप क्या करते, अरे पाखंडी है बड़ा भक्त बन रहा है। अच्छा, और तुम्हारे पड़ोस में कोई शराब पीने लग जाए, मुर्गा खाने लग जाए, बकरा खाने लग जाए, उसे आप पाखंडी नहीं कहते, उसे आप अच्छा कहते हैं। तुम्हारी अक्कल में पता नहीं क्या हो गया है, तुम होशियार तो बहुत बनते हो पर हो एक नंबर के मूर्ख। आज का समाज, आज के लोग गलत को गलत नहीं कहते, सही को गलत कहते हैं। शराब पीने वाले को लोग नहीं कहते कि तू गलत है, मांस खाने वाले को लोग नहीं कहते तू गलत है, भजन करने लग जाए कोई तो उसे पाखंडी कहने लग जाते हैं, अरे तुम तो पागल हो पाखंडी हो, तुम्हारा अगले जन्म में भगवान गूंगा बनाएंगे तुम्हें, तुम्हारा यही दंड है, तुम गूंगे बनोगे। तुम्हारी को वाणी दी है ना, तुम राम राम तो बोलते नहीं हो, जो राम राम बोल रहे हो उनको तुम पाखंडी बोल रहे हो, अब गूंगे बनोगे, यही तुम्हारा दंड है। क्यों गूंगा होता है कोई, कुछ बिगाड़ा होगा तब ना गूंगा है। दी तो है तुम्हें वाणी, तुम कितना राम राम जपते हो, बल्कि जो राम राम जप रहे हैं भजन करने वाले साधु संतों को तुम उल्टा बोल रहे हो, तो भगवान बोलेंगे अब तुम्हें जवान देने की जरूरत नहीं, गूंगे रहो। ईश्वर तरीके से न्याय करते हैं। इस संसार में कोई किसी को दुख नहीं देता, कोई अंधा है, कोई लंगड़ा है, कोई बहरा है, कोई कैसा है, ये सब तुम्हारे कर्म दंड हैं। ईश्वर का विधान ऐसा ही है, देर से मिलेगा, मिलेगा जरूर, माफी नहीं है। माफी तब होगी जब आपने यदि गलती की और गलती को स्वीकार करके आपने भगवान की शरणागति है, प्रभु हमसे अपराध हो गया, गलती हो गई, समर्पण करके और फिर दोबारा कभी गलती ना करने का संकल्प लिया, तो भगवान कहते हैं सन्मुख हो ही जीव मोहि जबहि
जन्म कोटि अघना सहित वही जो मेरे सन्मुख आ जाता है भक्त, मैं उसके अपराधों को भूल कर उसे क्षमा कर देता हूं। तो आप लोग एक बार जरा विचार कीजिएगा कि आप लोग कहीं किसी भक्त का अपमान तो नहीं करते, चाहे वो स्त्री हो या पुरुष हो, किसी साधक का, भक्त का, संत का। कोई तुम्हारे घर मांगने आ जाए, भैया भिक्षाम देही जरा दो रोटी दे दो, तो आप लोग रोटी तो देते नहीं है, क्या उपदेश करते हैं? अरे बाबा कमा के खा नहीं सकता, भाई साहब हम तुमसे रोटी मांग रहे हैं, तुम हमें उपदेश कर रहे हो, ये तुमने पाप कमा लिया। यदि आपके द्वार से सोचो कि मैं कभी आपके घर भिक्षा मांगे, चलो आज मैं रूप बदल कर, मैं सोचता हूं कि कभी मैं भेष बदल के आप लोगों के यहां जाऊं और आपसे दो रोटी मांगूं, आप लोगों का क्या रिएक्शन होगा? तो कई बार ये प्रैक्टिकल किया, किसी के घर रूप बदल के गए, नकली दाढ़ी मूछ लगा के बाबा जी बन के तो गए, तो मांगा भिक्षाम देही, मैया कुछ भिक्षा दे दो, खाने को रोटी दे दो। तो वहां से कुछ आज के पढ़े लिखे बच्चे निकलते हैं, बूढ़े बच्चे, क्यों बाबा कमा के खा नहीं सकता, इतना हट्टा कट्टा शरीर है, मांगने आ गए रोटी, ठीक है भैया जा रहे हैं कमाने, आ गए, हम तो आ गए, लेकिन हुआ क्या? इसलिए संत लोग कहते हैं ना जाने किस रूप में भगवान कभी आएंगे, तो शंख चक्र लेकर ना आएंगे तुम्हारे द्वार पर, किसी दीन दुखी साधक भक्त के रूप में आएंगे और वो भिक्षा मांगेंगे, तो जब तुम उन्हें दो रोटी दोगे तो वो तुम्हारे घर की सारी अलाह बलाह, सारी नेगेटिविटी उस रोटी के माध्यम से लेकर चले जाएंगे। लेकिन आप वो भी देने को तैयार नहीं है, और सोचो कि आपके द्वार से कोई संत भूखा चला गया, इससे गृहस्थों की गृहस्थी में ग्रहण पड़ जाता है। आपकी गृहस्थी में यदि ग्रहण लग गया है तो निश्चित आपके द्वार से कोई भूखा लौटा होगा। आपको पता है शास्त्रों में इसकी बहुत बड़ी निंदा की गई है, आपके दरवाजे से कोई भक्त भूखा ना चला जाए। आप गृहस्थ हैं और गृहस्थ के द्वार पर गाय आती है तो गाय को रोटी मिलनी चाहिए, कुत्ता आता है कुत्ते को रोटी मिलनी चाहिए, चींटियां हैं चींटी को दाना मिलना चाहिए, पक्षी है पक्षी को दाना मिलना चाहिए, संत है संत को भोजन मिलना चाहिए, आपके गृहस्थ से आपके घर से इन सबको मिलना चाहिए। नहीं मिलता जिस घर से, वो घर नहीं शमशान है, और जिस घर से इनको दाना पानी रोटी मिलता है वो घर ही बैकुंठ है, स्वर्ग। गृहस्थी आजकल तो लोग समझ ही नहीं रहे, सब मस्त हैं अपनी संसार में, अपनी दुनिया में, क्या धर्म है क्या अधर्म है उन्हें पता ही नहीं है, प्रेम क्या है भक्ति क्या है कुछ पता ही नहीं है, जीवन क्या है क्यों मिला है कुछ पता ही नहीं है। ये दास अनिरुद्ध, हम गृहस्थ हैं, हम क्या हैं? गृहस्थ हैं, हाँ या ना? हाँ, हम गृहस्थ आश्रम में हैं, और गृहस्थ आश्रम का धर्म क्या है कि आपके दरवाजे कोई आता है भूखा ना जाए। इसलिए ये दास अनिरुद्ध गृहस्थ है, तो मैं कोशिश करता हूं कि गौरी गोपाल आश्रम में कोई आवे तो भूखा ना जावे, यही मेरा गृहस्थ धर्म है, और मैं अपने इसी धर्म का पालन करूंगा तो मुझे इसी धर्म का पालन करने से भगवान मिलेंगे। मुझे भगवान की पूजा नहीं करनी अलग से, मैं केवल अपने धर्म का पालन करूं बस।